जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीएपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बोकलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है, और रही बात डीएनए की आपने जो कहा है, तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के मां, और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे, और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट, तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए, और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पर हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, कि वो इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब।